गुजरात के बाकी इलाकों का हाल आपको दिखा देते हैं। सूबे में कल जल तांडव स्थिति जैसी नजर आई। ये तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के बोडेली की है। एक पुलिस वाले ने दिलेरी के साथ कैसे एक परिवार की जान बचाई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहले पुलिस वाले ने एक मासूम बच्चे को डूबे हुए घर से निकाला, फिर सीने भर पानी में चलते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ा। तस्वीरें देखिए, किस तरह महिला को घर से बाहर निकाला जा रहा है। आमतौर पर खाकी वर्दी से लोग खौफ खाते हैं, लेकिन यहाँ एक खाकी वर्दी वाला देवदूत बन गया। छोटा उदयपुर की दूसरी तस्वीर देखिए, मूसलाधार बारिश से इलाका पानी पानी है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ कल इतनी बारिश हुई कि बकरीद की रौनक पर पानी फिर गया। भारी बारिश में छोटा उदयपुर के नसवाड़ी में पलसानी और काली डोली के बीच का पुल टूट गया। सूरत में मूसलाधार बारिश से तापी नदी समंदर की तरह शहर को डुबोती नजर आ रही है। सूरत शहर के बीचों बीच बहती तापी नदी का उफान देखिए, समंदर में हाई टाइड जैसा नजारा है। बारडोली से वासंदा की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे तापी के पानी से जलमग्न हो गया है। दक्षिण गुजरात में जारी बारिश के चलते सूरत की महुआ तहसील क्षेत्र उमरा में आने वाला मदर इंडिया डैम इस सीजन में पहली बार ओवरफ्लो हो गया है। अंबिका नदी में आ रहे बरसाती पानी के चलते डैम ओवरफ्लो हुआ है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर गुजरात के वलसाड पर बरसी आफत की पूरी कहानी बयान कर रही है। ऐसा लग रहा है ये ऊंची ऊंची इमारतें मैदान में नहीं बल्कि किसी दरिया में बना दी गई हों। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। वलसाड में जल तांडव है। वलसाड में मूसलाधार बारिश ने ऐसी आफत मचाई कि एनडीआरएफ के जवानों को एक्शन में आना पड़ा। एनडीआरएफ की मदद से वलसाड के निचले इलाके में फंसे लोगों को निकाला गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह निचले इलाके में कमर भर पानी भरा हुआ है। वलसाड के लीलापुर इलाके में एक परिवार के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। परिवार में हाल ही में एक शिशु की किलकारी गूंजी थी और घर में पानी ने डेरा जमा लिया। हमारी टीम गई और सेफली उस बच्चे को, उन महिला को लेकर के और उनके साथ जो भी उनके परिजन थे उनको लेकर के किनारे कर दिए। इस जेसीबी को देखिए, भारी भरकम जेसीबी मशीन बाढ़ के पानी में डूब गई। कई घंटों पर एनडीआरएफ के मुस्तैद जवान यहां तक पहुंच पाए। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। गिराधोध के नाम से मशहूर पूर्णा नदी के इस वाटरफॉल को देखिए, पानी का रौद्र रूप साफ नजर आ रहा है। डांग की अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी उफान पर हैं। पूर्णा नदी में बढ़ते जलस्तर से नवसारी जिले के कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। नवसारी के भेसद खेड़ा इलाके की तस्वीर देखिए, घर बार डूब गए हैं, लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। पानी में कोई हादसा ना हो इसलिए एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी खींच दी गई है ताकि लोग रस्सी के सहारे आवाजाही कर सकें। नवसारी के गढ़देवी तहसील के चार गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यहाँ अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। गुजरात के तापी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। रविवार को 50 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया। गुजरात हमेशा से नंबर वन रहा है और इस बार बारिश धमाके शुरू हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेसेस में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां बारिश ना गिरी हो। बहुत बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत सुचारू तंत्र ने व्यवस्था कर ली है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्था है।
मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमारा तंत्र मुस्तैदी से काम करता रहेगा। मॉनसून की शुरुआत से ही गुजरात में मौसम कह ढा रहा है। मौसम विभाग ने अभी दो दिन गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, यानी लोगों पर आई ये मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।